हेलो दोस्तों, CFC कॉमिक्स फैक्ट्स एंड काउंटडाउन के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आगे बढ़ने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सेकंड क्लास हीरोज़ पे। एक्चुअली नाम थोड़ा सा कैची हमने रखा है, लेकिन ये बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड क्लास हीरोज़ हैं। मैं पहले इसका मीनिंग आपके लिए क्लियर कर दूं। ये वो कैरेक्टर्स हैं कॉमिक्स के जिनमें बकायदा हीरो या मेरे ख्याल से कई बार हीरो से ज़्यादा भी पावर होती है, बट इन लोगों को खुद की कभी कोई अलग से कॉमिक्स नहीं मिली है। ये ऐसे हैं बेचारे जिनको एक वहाँ पर ऑप्शन मिलना चाहिए था, इनकी अलग से कॉमिक्स आनी चाहिए थी, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। हमेशा ये मेन हीरो की छाया के तले दबके रह गए हैं, जबकि ये सुपर शक्तिशाली और सुपर इंटेलिजेंट रहे। तो आइए इन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अगर ये भी एक रैंकिंग नहीं है बट एक काउंटडाउन है, तो आइए इसके मजे लेते हैं। पहला है आपका अति क्रूर। जी हाँ, अति क्रूर, और अति क्रूर के साथ में मैं यहाँ पे नाम लूँगा शूतान का भी। ये भी इसके सब प्लॉट के अंदर है, क्योंकि अति क्रूर और शूतान हम सब जानते हैं भूकाल के कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं, और इन कैरेक्टर्स कई अलग अलग कॉमिक्स में ये दोनों कैरेक्टर आए हैं जिन्होंने भूकाल की बहुत मदद की है, कई बार उसकी जान भी बचाई है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इनकी बैक स्टोरी डेवलप ज़्यादा नहीं की गई, और इनको इतना ऑप्शन नहीं दिया गया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग कॉमिक्स में आ सकें। सेकेंड भी है यहाँ पे, वो है शक्तिशाली, इस कैरेक्टर का नाम है, और ये भी है भोकाल की कॉमिक्स का। ये जो नर्कजाल वाली जो सीरीज़ थी भोकाल की, उसमें आया था। ये सवोर्ग लोक का राजा है, स्वर्ग लोक नहीं है, सवोर्ग लोक का राजा है, और ये सफाई और स्वच्छता का बहुत बड़ा पुजारी है, और बकायदा इसमें एक प्रेत योद्धा नाम की भी शक्ति है जिसकी मदद से ये भोकाल को भी बचाता है। तीसरा भी इस लिस्ट में है आपका तिल्ली, के बारे में बात कर रहा हूँ। अब तिल्ली भी भोकाल कॉमिक्स का ही है, और बकायदा ये भी भोकाल के साथ में अलग अलग कॉमिक्स में दिखाई गया है। ये बहुत बड़ा तंत्र का ज्ञाता है, और अपने आप में काफ़ी पावरफुल है। ये भोकाल की तलवार वाली सीरीज़ में, और जो तुरीन को बचाने वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर, तुरीन की आखिरी निशानी वाली सीरीज़ है, ऐसी कई सीरीज़ के अंदर ये आया है। तो बकायदा इस कैरेक्टर को भी डिज़र्व करता था खुद की सीरीज़ मिलना, लेकिन वो नहीं मिला गया। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपसे ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि अगर आपको इनमें से किसी कैरेक्टर के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिए कॉमेंट्स में, और बकायदा हम इनके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेल दे पाना ना तो पॉसिबल हो पाएगा, और वो आपके लिए फालतू में टाइम भी वेस्ट करेगा। तो अभी हम इस काउंटडाउन को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 4 पे है अवधूत। ये भेड़ी को भी भेड़िया वाली सीरीज़ के अंदर आया था। इसमें तो कहा जाता है कि भगवान शिव का भी एक अंश है इसके अंदर, वो शरीर में एक शक्ति के अंदर इसकी, तो ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर बन सकता है। लेकिन अगेन इसको भी वापस से रिपीट नहीं किया गया एक कॉमिक्स के बाद में। नंबर 5 पे है आपके पास है मोहर सिंह उर्फ कीर्तिमान। ये डोगा की सीरीज़ के अंदर आया है, और ये डोगा का बटलर है एक तरीके से, जो कि डोगा जितना ही पावरफुल है। ये बिल्कुल एकलव्य के स्टाइल का है, कि ये इसने भी चारों चाचाओं को देख देख के उनकी सारी विद्याएं सीखी, और ये बकायदा डोगा के भी नाको चने चबवा देता है। लेकिन ये बस खाली जब ज़रूरत पड़ती है तभी बाहर आता है, वरना ये अपनी नॉर्मल लाइफ से काफ़ी खुश रहने वाला है। तो कीर्तिमान भी इसी लिस्ट में आ बनता है। अगला कैरेक्टर है सुपर कमांडो ध्रुव के धनंजय, जो कि स्वर्ण नगरी से आए हैं। ये देव जाति के हैं, बकायदा साइंटिफिक पावर्स हैं इनके पास में, और खुद भी बड़े जाबाज हैं, मल्टीपल कॉमिक्स में आते हैं ये ध्रुव के साथ में लगातार। तो इनका भी अलग से अपनी सीरीज़ बनने का मादा बन सकता था, लेकिन इनको कभी भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई कि ये अलग से इनके ऊपर एक सीरीज़ बनाई जाए। नंबर 7 है नागराज की सोटांगी। बकायदा सोटांगी के ऊपर एक तो कॉमिक्स आई ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब नागराज सीरीज़ के बैनर में आई, और मेन तो नागराज के ऊपर ही फोकस थी, बस सोटांगी उसमें स्टोरी लाइन में थी। लेकिन बकायदा सोटांगी को भी एक सोलो हीरोइन के रूप में दिखाया जा सकता है। 8वें हैं आपके यहाँ पे डॉक्टर अनीस रजा उर्फ कैंसर। ये इंस्पेक्टर स्टील के जनक हैं, जो कि और बकायदा उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं। कैंसर कॉमिक्स में देखा गया था, जिसमें परमाणु और स्टील दोनों थे, कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए एक अपराधी कैंसर का रूप ले लेते हैं, जो साइंटिफिक रूप से एडवांस है, और बाद में वो रिफॉर्म भी हो जाते हैं। तो उनके ऊपर भी बननी चाहिए थी कॉमिक्स, ये बाद में आगे जाके राजनगर रक्षक सीरीज़ के अंदर भी आए हैं, तो ये भी डिज़र्व करते हैं अपनी अलग से एक सीरीज़ बनने के लिए। नंबर 9 पे है चंडिका और श्वेता। ये सभी जानते हैं ये ध्रुव की बहन है, और बकायदा ये एक सुपर हीरोइन बनने का मादा रखती है, बट इनको भी कभी खास इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। नंबर 10 में अगेन सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज़ की हैं लोरी। ये भी तंत्र की बहुत बड़ी ज्ञाता है, बहुत बड़ी तांत्रिका है ये, और साथ ही साथ ये वेम्पायर कॉमिक्स में पहली बार दिखी, और उसके आने कई डिफरेंट कॉमिक्स में आके इन्होंने ध्रुव की मदद की है। ये भी ड्रैकुला सीरीज़ में आके बहुत फेमस हुई थी, बट स्टिल उसके बावजूद भी इनको इतना फुटेज नहीं मिला कि इनके ऊपर अलग से कोई कॉमिक्स बनाई जाए।
नंबर 11 है नागराज की सीरीज़ की कपाल कुंडला। कपाल कुंडला बिल्कुल लोरी के समान ही एक बहुत ही तंत्र की ज्ञाता है और बकायदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, बट स्टिल इनको भी उतनी फुटेज नहीं मिली। शाकुरा के चक्रव्यूह वाली कॉमिक्स के अंदर तो इन्होंने नागराज की बहुत मदद की थी, उनकी जान भी बचाई थी। सर नायक वाली सीरीज में भी ये दिख रही हैं, बट इनको एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर के रूप में एंथोनी के साथ में यूज़ किया जा सकता था, बट वो कभी किया नहीं गया, तो इनको भी इस लिस्ट में रखा गया है। नंबर 12 में है भेड़िया कॉमिक्स में जो ग्रहणों नाम की कॉमिक्स आई थी। अब इस कॉमिक्स की अच्छाई करूं या बुराई वो तो बात की बात है, उस पर कभी अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन ये उसमें एक सुपर योद्धा आया था जो कि ब्रह्मांड रक्षक रेंज का था, जिसका नाम था शिवा। ये प्लैनेट चुकालो से आया था और इसमें भी बहुत सारी पावर थी, लेकिन अगेन इसको भी ढंग से यूज़ नहीं किया गया। आने वाली कॉमिक्स में इसका यूज़ किया जाना चाहिए था, या फिर वो आगे जो सर्वनायक सीरीज़ में आकाश गंगा के खलीफा रखे हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाना चाहिए था, बट बेचारे को वहाँ पर कोई फुटेज नहीं मिली है। नंबर 13 पे एक एलियन है आग्नेय नाम का, जो कि एरिया 51 कॉमिक्स जो परमाणु की आई थी उसमें एक में ही था। ये भी ब्रह्मांड रक्षक है, एलियन जो अपने एरिया का ब्रह्मांड रक्षक है, और ये भी अर्थ आता है और वहाँ पे आके परमाणु की मदद करता है। तो इसको भी चाहे तो अगर एक सिंगल हीरो के रूप में नहीं तो इस प्रकार से एक आकाश गंगा के खलीफा जैसी टीम में इसको जगह दी जानी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है परमाणु किट के बारे में। जी हाँ, परमाणु किट जो कि ब्लेड कॉमिक्स में एकमात्र बार आए थे, जबकि इनमें सारी पावर्स वही है जो कि परमाणु के पास है, तो बकायदा इनके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाना चाहिए था। बाद में एरिया 51 पे एक दिखा था, लेकिन जब आग्नेय ने इसका रूप बनाया था परमाणु किट का, बट एक्चुअली वो परमाणु किट था नहीं, तो इसलिए मैं उसको ऑफिशियली गिन नहीं सकता हूँ उसमें। हाँ, ये बात है कि हमारे आईसी के कॉमिक्स ने उसके ऊपर एक ज़रूर बनाई थी इन्वेशन सीरीज, जो कि आप चाहें तो हमारे ब्लॉग पर फ्री पढ़ सकते हैं। हमारे ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। और परमाणु के मरने के बाद में वो जो आखिरी सीरीज में एंड में मर गया, उसके बाद में भी हो सकता था कि वो चाहते तो बुला के और इसको एक्चुअली परमाणु की वहाँ पे मेंटलशिप दे सकते थे, उसका जो पास ऑन कर सकते थे कि नया परमाणु किट बनेगा, बट उसका भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। और वैसे ही परमाणु किट के सामने प्रलयंका का भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, हालांकि उसकी पावर कभी ज़्यादा दिखाई नहीं, तो इस लिस्ट में हमने उनको जगह नहीं दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट्स में बताइए कि और आपको आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच for watching.